तो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें 600 मार्क्स का आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। हे एवरीवन, दिस इज रेणुका सिंह, नाउ न्यू सेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं HPSC HCS एग्जाम के बारे में कि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले उसका सिलेबस एंड पैटर्न गो थ्रू कर लेना बहुत जरूरी होता है हर एस्पिरेंट के लिए। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसके न्यू सिलेबस एंड पैटर्न के बारे में। अबाउट HPSC, इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 to 42 ईयर्स के बीच में जो जो कैंडिडेट लाई कर रहे हैं वो इस फॉर्म को इजीली भर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस में मेल की होती है 1000 रुपीज़, फीमेल की होती है 250 रुपीज़ एंड SC ST OBC के लिए भी 250 रुपीज़ है। PH और PWD के लिए कोई फी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, इस एग्जाम की स्टेजेस होती हैं 3, जिसमें कि प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू आपका रहता है। प्रीलिम्स के बारे में बात करें तो पेपर 1 होता है जनरल स्टडी का, जिसमें आपको मार्क्स अलॉट होते हैं 100 एंड आपका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। सेकंड जो आपका एग्जाम होगा ये मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में होगा, सेम पेपर। मॉर्निंग में आपका GS पेपर 1 रहेगा एंड इवनिंग में आपका CSAT रहेगा, जैसा कि UPSC में भी होता है। इसमें भी आपको 100 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, ध्यान रखना है, एंड 2 आवर्स आपको इसमें ड्यूरेशन दिया जाएगा। बात करें अब मेंस की, तो मेंस में भी आपका पेपर 1 जो है इंग्लिश एसे होता है, जो कि आपको इंग्लिश में एक एसे दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना है। मार्क्स अलॉट किए जाएंगे इसमें 100 एंड इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है गाइस 3 आवर्स का रहेगा। पेपर 2 आपका हिंदी में ऐसे देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। 100 मार्क्स का ये भी रहने वाला है, 3 आवर्स आपको इसमें भी दिया जाएगा। पेपर 3 जनरल स्टडी होता है, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स इसमें भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ में आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड ये भी आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा का ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सब आपको आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रहेगा पेपर 4 में, कोई भी एक सब्जेक्ट दे देगा HCS। आपके पास लिस्ट होती है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, जिसमें से पर्टिकुलर उस पर आपको राइटिंग करनी है, ये भी आपका 3 आवर्स का रहने वाला है। तो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करें 600 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। जब आप प्रीलिम्स और मेंस लिख लेंगे देन आप पहुंच जाएंगे एक इंटरव्यू वाली स्टेज में, पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द मेंस एग्जाम रिजल्ट्स, द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स हु पास द फर्स्ट 2 राउंड्स आर एलिजिबल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। जो भी प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे वो कैंडिडेट क्या है, इंटरव्यू में पहुंचेंगे, ठीक है। हेल्ड एट द HPSC प्रीमिसाइज़ इन पंचकुला, ये आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, पंचकुला में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। 75 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर द इंटरव्यू, आपको जो है इंटरव्यू में 75 मार्क्स मिलेंगे। ड्यू टू द 675 टोटल स्कोर्स, अ फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी क्रिएटेड। व्हेन कंपाइलिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट द scores from the mains exam and the interview are added together. Total जो होगा आपका 675 marks आपका बनेगा interview को include करके, तो इसी में से आपकी final merit बनने वाली है, okay? तो mains and interview के marks आपका final merit decide करेंगे, तो अच्छे से preparation करना है specially mains की। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, कुछ candidate ये सोच रहे होंगे कि सिलेबस पैटर्न तो पता चल गया, अब कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, कैसे इसकी तैयारी की जाए। जिन बच्चों को लगता है कि सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाएंगे और काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं बचे हैं, उनको करना ही करना है, तो वो ज़रूर किसी कोचिंग को ज़रूर ज्वाइन करें। आपका लास्ट एफर्ट आपको
आपको इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ज़रूर दिला सकता है। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग तो ज़रूर ज्वाइन करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं बेस्ट कोचिंग प्लूटस IAS, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे डेमो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि 26 से स्टार्ट हो रही है, 29 पे एंड होगा डेमो क्लास। तो आप पहले डेमो लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है वे ऑफ टीचिंग, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेक्शन में आपको कामयाबी दिला सकते हैं, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।